छोटी सी गायिका कुमारी प्रीति राजपूत लखनपुर से आइएगा, लीजिएगा एक और धमाका। जरा दे सर्वप्रथम इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, सभी बुजुर्ग, इस मंच पर आसीन मेरी आदरणीय पंच कमेटी, गंगा व यमुना के समान मेरी मातृशक्ति व सती अनुसैया जैसी मेरी माता बहनाएं, इन सभी को कुमारी प्रीति राजपूत लखनपुर की तरफ से प्यार भरी नमामि नमस्कार है। राम राम साहब, ए राम राम तो ले लो, कोई बात ना, टोपन वारे बाबा। लेकिन आइएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम को उठाया और भैया उपेंद्र क्या लिख दिया है। चाचा जी, इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। कहते हैं ना कि पहला गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु पिता होता है। कहावत में कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, कि गुरु गोविंद दोहु खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। क्योंकि माँ बाप गुरु होते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये हनुमान जी की मूर्ति है और बेटा ये शिव शंकर जी की मूर्ति है। लेकिन आइएगा माँ बाप के बारे में और दोहे में, भैया जी कैसे हैं? सभी कह रहे और माँ बाप से बढ़कर कोई न पायो है, और हर युग में जब जब कष्ट पड़ो तेने बिरथा ही दोष लगायो है, कि संतान पे जब जब कष्ट पड़ो और माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो बंदे तेने पानी तक नाई। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथों को खड़ा करके जिब्बा को पवित्र करते हुए बोले गिरिराज महाराज की। आइएगा, भगवान कहते हैं कि बंदे अभी तू सबल जा, अगर तू मेरे पास आएगा तो तेरे को हर शब्द पूछूंगा, तूने अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया था और तू कहां पर गया था और कहां पर भटक रहा था। लेकिन भैया उपेंद्र कहते हैं भगवान, अगर तू मेरा भजन करेगा, मेरा नाम लेगा, मेरा स्मरण करेगा तो मैं तेरे को मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, मोक्ष की प्राप्ति दूंगा। अगर तू मेरा नाम नहीं लेगा तो मैं तेरे को नर्क की प्राप्ति दूंगा। लेकिन भैया हमारे कवि महाराज कह रहे हैं, गौर करेंगे कैसे, लेकिन चाचा जी उससे पहले मुंबई वालों ने एक तर्ज निकाली थी, बहुत पुरानी धुन है, पीटीआई गुरुजी सुनिएगा कैसे। अरे चांदी की, चांदी की, चांदी की है चांदी की, अरे चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, और एक धनवान की बेटी ने है, एक धनवान की और बेटी ने धन का दामन छोड़।
से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई, आशीर्वाद की कामना करूंगी। इक्यावन रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब, आशीर्वाद की कामना करूंगी। 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे बड़े भैया, आशीर्वाद की कामना करूंगी। और ये 21 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे बड़े भैया, आशीर्वाद की कामना करूंगी। 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई, आशीर्वाद की कामना करूंगी। 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे चाचा श्री, आशीर्वाद की कामना करूंगी। लेकिन भैया कैसे चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, और ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे चाचा श्री, आशीर्वाद की कामना करूंगी। अरे साहब अहवाल पल्ली साइड में गयो और 10 रुपया सब फटे दे दे, वो ध्यान ना रोके वे को, कोई बात ना है साहब, चलो ये उनके संग में तो बथुआ तो पानी लग ही जावे, कोई बात ना है। हाँ एक धन्यवाद की बेटी ने, हौसला बुलंद करने के लिए सम्मानीय सरपंच साहब श्री भांजी, सम्मानीय सरपंच साहब श्री भांजी 201 रुपया, 201 रुपया इस बच्ची के लिए देते हैं, इनका हौसला बुलंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्ची के लिए 101 रुपया भाई संपत पटेल जी, भाई संपत पटेल जी 101 रुपया इस बच्ची के लिए देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भैया उपेंद्र शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछरी का लोटा है, और कैसे काहे इति पिति लोटा की रयो है, बहुत अच्छे पुरस्कार आदरणीय हमारे बड़े भाई मेघ सिंह राजपूत देते हैं,
की बेटी आपने प्रीति कुमारी मेरी मंच और मेरी जनता जनार्दन को आकर्षित किया और आपके छंद अलंकार भाषा शैली उच्च कोटि की देखते हुए दानदाता जितने भी 5, 50, 100, 200 दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद और 500 रुपए इसी बालिका इसी बेटी प्रीति के लिए 500 रुपए हमारे नवल पहलवान शौक वाले 500 रुपए इस बच्ची के लिए दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा दीजिए साहब, जरा दे या माइक में करंट आ रहा थोड़ा अच्छा। अब मैं तो अकेला रहू मुक्का ही मरवा रहे तुम चलो साहब यही मैं पपड़िया फोड़ दूंगा चिंता मत करो लेकिन भैया जी चिंता मत करो पीटिया जी सर तुम तो बैठे रहो बस लेकिन जो मैं कल अपना प्रसंग छोड़ करके गई थी उसी प्रसंग को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आज हमने चाचा जी वो राजा दुर्योधन माँ गंधारी के कहने पर धर्मराज के पास में आ जाता है। हाँ चाचा जी आज जैसी पास में आ जाता है तो जवाब कौन सा कि धर्म सुवन के पास में बेटा कि धर्म सुवन के पास में बेटा और अंत सुद्धि गयो है आई चरणन शीश नवाए गिरा ऐसे धर्माई। सो सुनो धर्म मेरी बात सो सुनो धर्म मेरी बात और त्यारे मेरे युद्ध की रह गई एक ही सो कैसे पार पड़ेगी रण में हे महाराज सो कैसे पार और पड़ेगी रण में और मेरी एक समझनाए आवे। आह भैया उपेंद्र आज महाराज युधिष्ठिर धर्मराज जी आज आसन से खड़े हो जाते हैं चाचा जी आज उस दुर्योधन से जवाब करने लगे हैं। सुनिएगा साहब अगर तुम मन लगा के सुनोगे ना जैसे कि कोई इंसान बीमार रह जावे ना सबसे पहले अस्पताल में जावे तो सबसे पहले बोतल चढ़वाता है किसकी पानी की। अगर तुम मन लगा करके सुनोगे ना तो इस भजन को आपके अंदर ऐसे उतार दूंगी जैसे कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। भैया जी गौर करेंगे कैसे है जब ऐसी बात सुनी ना तो आसन को छोड़ करके यानी कि गद्दी को छोड़ करके खड़े हो जाते हैं धर्मराज। अरे आसन छोड़ धर्म भयो और तेरी यो धनी गले लगायो है और धर्म सुमनियो धर्मी सुमनियो अरे धर्म में सुमनियो कहे भूप से बहुत नन में आयो है लेकिन दुर्योधन तू आ तो गया है लेकिन तूने अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है यानी कि कोई अच्छा काम लेकिन चाचा जी आज धर्मराज उस दुर्योधन से कहने लगे हैं कि दुर्योधन इस दुनिया में दो लोगों ने घमंड किया था वो भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन उन दो लोगों के बारे में आज धर्मराज कह रहे हैं दुर्योधन से भैया उपेंद्र कैसे भैया बाली ने अभिमान किया
बच्ची के लिए फिर 101 रुपया के इनाम भाई समय सिंह लंबरदार जी अपनी पुण्य कमाई से इस बच्ची के लिए 101 रुपया की मुद्रा से भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा दे आइधर में कहने लगे कि महाराज ये बात तो आपकी सही है लेकिन प्रभु मैं करूं तो करूं क्या कि लड़त तो लड़त तो मेरे बल थके। कहने लगे हे महाराज कि लड़त तो मेरे बल थके और दुर्बल भयो शरीर और दे आशीष मोय जान के मैं मां को जायो। आहा सजनो आइधर में कहने लगे कि दुर्योधन ये तेरे रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी इंसान राजनीतिक वाला होता है या कोई सामाजिक वाला होता है वो सिर्फ एक सत्य के मार्ग पर चलता है। अगर तू सत्य के मार्ग पर चलता ना तो तेरी भी विजय हो जाती। लेकिन भैया उपेंद्र आज कहने लगे हैं कि सुंदर योद्धा ने मैं तेरे लिए शीलवंता के बारे में बताऊंगा, राजनीतिक के बारे में बताऊंगा, सामाजिक के बारे में बताऊंगा कि सामाजिक चीज क्या होती है। भैया उपेंद्र आज धर्मराज उस दुर्योधन के लिए बता रहे हैं चाचा जी, गौर करेंगे कैसे है? अरे धर्मराज के पास में बेटा, धर्मराज के पास में आ तो गया है लेकिन तू मेरी चाल से और दिमाग से कहीं बाहर नहीं जाएगा दुर्योधन। अरे सीली बात ना गुड़ी कुछ छोड़े और चाहे लाख मुसीबत आ जाए और का वो भला करे चाहे खुद ही धोखा खा जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य आकर्षक और चीफ गेस्ट के रूप में आपके जाने माने